पंजाब भर में आज भी दफा 144 नाफिज रही। जल्द सौ धरनों, आवामी इज्तमात पर पाबंदी, सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी बंद रहे। बदमनी के खदशात पर इकदाम उठाया गया, सिक्योरिटी इदारे कानून पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक। मुल्तान में अफसोसनाक वाकया, आतिशगीर मवाद फटने से घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर चार अफराद जान बहक, छह जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। धमाके से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। पिपला में ट्रेन हादसा, मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली थल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। कुंदिया मुल्तान मेन लाइन पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल, रेलवे हुकाम के मुताबिक इंजन को जल्द ट्रैक पर चढ़ाकर आमदरफ्त बहाल कर देंगे। जनूबी पंजाब में डेंगू के वार जारी, विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर में जेरे इलाज दो मरीजों में डेंगू की तस्दीक, 18 मुश्तबा मरीज भी रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल मुल्तान में भी एक मरीज रिपोर्ट, 8 मुश्तबा मरीज जेरे इलाज हैं, रिपोर्ट्स का इंतजार। भावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू लार्वा बरामद, महकमा सेहत की इन और आउटडोर टीमें गैर फाल, दो यूसीज में सफाई के बाद कोई इकदाम नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी इजलास में बोगस कारकर्दगी का पर्दा चाक। डेरा काजी खान में भी डेंगू केसेस बढ़ने लगे, सीईओ हेल्थ डॉक्टर इदरीस लगारी के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू के 5 केसेज रिपोर्ट हुए, 14 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। दरिया असना पोलियो आगाही के हवाले से डीजी खान में सेमिनार, उलमाए कराम की भी शिरकत। जदीद टेक्नोलॉजी अपनाएं और बिजली बचाएं, पंजाब में 67 स्कूल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को सोलराइजेशन की मंजूरी दे दी, मंसूबे की तकमील पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भावलनगर और लोधरा की खातीन वकला के लिए खुशखबरी, लेडीज बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने के लिए इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के अहकाम पर काम शुरू, मरियम नवाज का कहना है काम वाली जगह पर सहूलियात का होना जरूरी है। पंजाब में सैकड़ों पुलिस मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे पड़ गए, दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चे नौकरियों से फारिग, 24 जुलाई से फैमिली कलीम पर भर्ती मुलाजमीन को नौकरी से फारिग किया गया। बोगियों की कमी, रेलवे ऑपरेशन मुश्किलात से दो चार, 1544 के बजाय 1156 बोगियों से काम चलाया जाने लगा। 388 बोगियों की किल्लत के साथ ट्रेन ऑपरेशन जारी, 55 बोगियां मरम्मत के बगैर ही चलाई जा रही हैं। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन मसाइल का गढ़, रेलवे इंतजामिया की गफलत के बायस मुसाफिर खार, सफाई का निजाम और इंफॉर्मेशन सेल बिल्कुल नाकाम, सिक्योरिटी के बिना काफी इंतजाम हैं, स्टॉल्स पर मुजरे सेहत खाना महंगे दामों फरोख्त। साफ पानी के अदम दस्तियाबी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई, रहिंगा खान में बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा है, शहरी साफ पानी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। उधर मुजफ्फरगढ़ टिब्बा करीमाबाद के मकीन साफ पानी से महरूम, वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट फाल ना हो सका। मुल्तान में खस्ता हाल सड़कें हादसात को दावत देने लगी, तुगलक रोड अरसाई दराज से टूट फूट का शिकार, ठेकेदार सड़क पर पत्थर डालकर गायब। उधर जहानिया में नहर लोअर बारी दोआब रोड पर शहरियों का सफर करना दुश्वार, हादसात मामूल बन गए, शहरियों ने रोड की फौरी मरम्मत का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर लैया अमीरा बेदार का दौरा कोट सुल्तान, सुथरा पंजाब मुहिम के हवाले से सफाई का जायजा,
दस्तियाब वसाइल बरुए कार लाने के अहकाम जारी। उधर डीसी कोट अद्दू मुनव्वर अब्बास बुखारी का वार्ड नंबर 9 का दौरा, सफाई के नाकिस इंतजाम पर इजहार बरहमी। सैनिटरी वर्कर्स फौरी सफाई करने पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच का फैसला, स्पीडो बस की बंदिश बारे दायर केस निपटा दिया। हुकूमत की तरफ से सर्विस मुअत्तल न करने की यकीन दहानी। बस सर्विस की बहाली के लिए रवा साल फरवरी में रिट दायर की गई थी। कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान इन एक्शन, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ मजीद मौसर इकदाम करने का फैसला। रवा माह करोड़ों रुपए की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां तहवील में, केसेस मुकम्मल होने के बाद नीलामी की जाएगी। डीजल महंगा होने से गढ़ा मोड़ के ड्राइवर्स परेशान, कहते हैं काम बंद हो गया, दिन भर कोई बुकिंग नहीं आती। बेरोजगारी के सबब घर का चूल्हा जलाना मुश्किल है। हुकूमत से अपील है डीजल की कीमत कम की जाए। डीसी मियांवाली खालिद जावेद गौराया की जेर सदारत इजलास, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा। 2221 कार्रवाइयां, 5,71,000 रुपए जुर्माना, बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मिशन, पीएचक्यू अस्पताल फतेहपुर में ऑटिज्म वार्ड कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लैया अमीरा बेदार ने इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक का चाइल्ड प्रोटेक्शन का दौरा, बच्चों को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। क्लासरूम्स में बच्चों से गुफ्तगू की, तालीम के मायार और दरसो तदरीस के उमूर बारे दरियाफ्त किया। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में मुश्किलात का सामना, नए तालीमी साल में तारीख और जुग्राफिया उर्दू में होगा। छठी सातवीं और आठवीं जमात की 3 कुतुब उर्दू में पब्लिश करने का हुक्म है। पीसीटीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 119वें इजलास में फैसला। खानेवाल एनजीओ वर्ल्ड के जेर एहतमाम निजी कॉलेज में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, पार्लिमानी सेक्रेटरी राणा सलीम हनीफ बतौर मेहमान खसूसी शरीक, पोजीशन होल्डर्स तालिबात में इनामात तकसीम किए। कम वसाइल के बावजूद तालीम का हुसूल, खातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से आसानियां पैदा। किंगशिप और स्पोर्ट्स की बुनियाद पर फीस में रियायत की पॉलिसी, पेफ और नीट बेस्ड स्कॉलरशिप का भी मौका। भावलपुर में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास, हेड कांस्टेबल्स की एएसआईज और एसआईज के उदों पर तरक्की। भावलपुर, रहीमिया खान और बहावलनगर से पुलिस मुलाजमीन शामिल, सीनियोरिटी लिस्टों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। और मियांवाली के माजूर अफराद के लिए अच्छी खबर, हिम्मत कार्ड सफर करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। सोशल वेलफेयर ऑफिसर रिजवान जमील कहते हैं किराए पर 50% रियायत मिलेगी, सरकारी ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर किया जा सकेगा।